मैं वो किताब पढ़ चुका हूँ जो तुमने मुझे दी थी। जो उत्तर तुमने दिया वो सही नहीं है। क्या तुम्हें वो घड़ी मिल गई थी? गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है वो, यानी जिस चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमको कंजक्शन यूज़ करना पड़ेगा विच। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इस कंजक्शन की यूज़ को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं वो किताब पढ़ चुका हूँ जो तुमने मुझे दी थी। इस सेंटेंस को हम विच कंजक्शन के मदद से लिखेंगे। आई हैव रेड द बुक विच यू गेव मी। आई हैव रेड द बुक विच यू गेव मी। मैं वो किताब पढ़ चुका हूँ। आई हैव रेड द बुक जो तुमने दी थी, यानी वही किताब के बारे में हम बता रहे हैं जो आपने दिए थे। देन नेक्स्ट सेंटेंस, जो उत्तर तुमने दिया वो सही नहीं है। द एंसर विच यू गेव इज नॉट राइट। द एंसर विच यू गेव इज नॉट राइट। जो किताब टेबल पर पड़ी है वो मेरी है। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। वो किताब जो मैंने कल खरीदी थी वो बहुत अच्छी है। द बुक विच आई बॉट यस्टरडे इज वेरी गुड। द बुक विच आई बॉट यस्टरडे इज वेरी गुड। ये एक शानदार मौका था जो तुमने खो दिया। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट चांस विच यू लॉस्ट। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट चांस विच यू लॉस्ट। टेनी पर जो चिड़िया बैठी है वो तोता है। द बर्ड विच इज सिटिंग ऑन द ब्रांच इज पैरट। द बर्ड विच इज सिटिंग ऑन द ब्रांच इज पैरट। क्या तुम्हें वो घड़ी मिल गई थी? हैव यू फाउंड द वॉच विच यू लॉस्ट। Have you found the watch which you lost?